बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुखसाना खालिद, आप देख रहे हैं देसी फैमिली किचन। टींडे गोश्त बनाने के लिए आधा किलो मैंने गोश्त ले लिए, इसको अच्छे तरीके से धो लेना है। 3 अदद प्याज जो मैंने काट लिए, थोड़ा सा लहसुन, 2 अदद बड़े साइज के टमाटर, खाना खाने वाला 1 चम्मच भर के अदरक का, खाना खाने वाला 1.5 चम्मच नमक का डालेंगे, खाना खाने वाला 1 चम्मच सुरख मिर्च, खाना खाने वाला 1 चम्मच हल्दी, 2 ग्लास इधर पानी के डालेंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसने कर दिया उसके लिए दिल से शुक्रिया। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। इसको आपने 25 मिनट के लिए प्रेशर लगा देना है। मिलते हैं 25 मिनट के बाद। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। 1 किलो टींडे मैंने ले लिए थे, इनको काट लिया है। थोड़ा हम मैंने मोटे साइज़ में ही काटा है, ज़्यादा बारीक नहीं। आपने भी इसी तरीके से काट लेने। जितनी देर में हमारा प्रेशर चल रहा है उतनी देर हम यहाँ पे टींडे फ्राई कर लेते हैं। इस तरीके से टींडे बनाएंगे तो बड़े ही मज़े के बनेंगे। ये देखें, टींडे इस तरीके के आपने फ्राई करने हैं। ज़्यादा फ्राई नहीं करने, जो ब्लैक हो जाए या ब्राउन हो जाए, इनका जब कलर चेंज हो जाए तो इनको एक छननी की मदद से आप निकाल लें तो आसानी से निकल जाएंगे। चूल्हा यहाँ पे बंद कर देते हैं और सारे टींडे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। 25 मिनट हो चुके हैं, वेट उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त गल चुका है, चलते हैं इसको पकाने की तरफ। जिस घी में हमने टींडे फ्राई किए थे उसी घी में ये डाल लेते हैं। इसको अच्छे तरीके से आपने भूनना है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया। ये देखिए, इसने घी भी छोड़ दिया। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डालेंगे। ये डाल के आपने मिक्स ही करना है, इसको पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। ये थोड़ी कच्ची कच्ची हो तो खाने में अच्छी लगती हैं। टींडे जो हमने फ्राई किए थे वो डाल देते हैं। ये डाल के मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें, देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बनता है फाबी अलाई रबी कुमात जीबान। 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टींडे गोश पक के तैयार हो चुके हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही। यहाँ पे जो मसाले रह गए थे वो शामिल करते हैं। पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे, चाय वाला 1 चम्मच। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी और ख़ूबसूरत मिर्चें हैं, नई नई आई हैं, तो ये भी थोड़ी सी शामिल कर रहेंगे। इनको यहाँ पे शामिल करेंगे तो ये थोड़ी कच्ची कच्ची जब खाते हैं खाने के साथ तो मज़े की लगती हैं। थोड़ा सा धनिया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।